एवरीवन, दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों, कोरोना वायरस एक्चुअली में फैल रहा है और WHO ने इसको इंटरनेशनल इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी, हेल्थ कंसर्न घोषित कर दिया है। तो जी हाँ, ये एक जानलेवा बीमारी है और आज हम बात करेंगे कि ये जान कैसे लेती है। दोस्तों, आज तक जितने भी लोग इससे ग्रसित हुए हैं, 6-8 हज़ार के ऊपर इसकी गिनती हो चुकी है और कई हज़ारों लोग, लाखों लोग क्वारंटाइंड है कि वो बाहर ना निकले। हो सकता है उनको भी इन्फेक्शन हुआ हो, लेकिन कई लोगों की एक्चुअली मृत्यु हो चुकी है और उन लोगों की मृत्यु कैसे हुई है आज हम जानेंगे। ये वायरस मारता कैसे है लोगों को? ये मारता है, जितने भी लोग मरे हैं इस वायरस से, वो मरे हैं विद ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। जी हाँ, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है फेफड़ों की, आपके लंग्स की, जो कि आपके लंग्स को अपना प्राइमरी काम नहीं करने देते। लंग्स का प्राइमरी काम है कि वहां से ऑक्सीजन खून में जाए और खून से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आके वापस बाहर निकल जाए। तो ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसफर है वो नहीं होने देते, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये कोरोना वायरस के वजह से हो रहा है और ये सिर्फ कोरोना वायरस के वजह से नहीं होता, और भी कारण हो सकते हैं। बेसिकली लंग्स के अंदर जो गुब्बारे होते हैं, जो फूलते हैं, जो एल्वियोलाए होते हैं, जिसके अंदर सांस की नलियां जाती हैं, उस एल्वियोलाए के एंड में जो बहुत पतली पतली मेम्ब्रेन होती है, इतनी पतली मेम्ब्रेन होती है, उस पतली मेम्ब्रेन के बिल्कुल बगल बगल से खून की नसें जाती हैं कि वहां से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पास हो सकते हैं। इस वायरस के इन्फेक्शन के वजह से वहां पर वो जो मेम्ब्रेन है वो मोटे हो जाते हैं, वो थिक हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं, वहां पानी जमा हो जाता है, वहां फाइब्रोसिस होने लगता है। ऐसे वजह से, इन्फ्लामेशन के वजह से, वहां इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन अगर आपको नहीं पता तो इन्फ्लामेशन वाला हमारा वीडियो जरूर देखना है, इन्फ्लामेशन बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पे टाइप करके। वहां हो रहा है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन के वजह से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन आपको दूसरे निमोनिया के अंदर भी हो सकती है, जब निमोनिया खराब हो जाता है, जैसे कहा जाता है इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ऐसी चीजों के वजह से भी ये सिचुएशन आ सकती है। और कोरोना वायरस भी कॉमन कोल्ड निमोनिया वाला ही वायरस है, जो कि एक म्यूटेटेड वर्जन है उसका, नया वायरस है नोवल कोरोना वायरस, और ये भी वैसी ही चीज कर रहा है, तो फिर दिक्कत होती है। यही सिचुएशन और भी, यही बीमारी ARDS और भी कारणों के वजह से पाई जाती है। कौन सी कारण? अगर किसी ने कोई केमिकल इनहेल कर लिया, केमिकल टॉक्सिक, या फिर किसी को इन्फेक्शन पूरी बॉडी में, सेप्टिक शॉक फैल गया हो, या फिर कभी कभी कोई उल्टी करके उल्टी सांस की नली में चले जाती है, खाना सांस की नली में चला जाता है, तब भी ऐसा ही कुछ हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। या फिर बहुत जोरदार चोट लग जाए और खून या चोट लगने के वजह से भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो ये डेंजरस चीज है। ARDS के वजह से पानी भरने लगता है आपके एल्वियोला, आपके खून गुब्बारों में, सांस की नली के, और गुब्बारों पानी के वजह से वहां पर इन्फ्लामेशन के वजह से ऑक्सीजन खून में नहीं जा सकता। क्लियर? अब ये फ्लूइड जो है आपके लंग्स को हैवी कर देगा, स्टिफ कर देगा, सांस नहीं ले पाओगे, तो लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो ब्लड में है वो डेंजरसली लो चला जाता है, पेशेंट के दिमाग को नहीं जाता है उतना खून, जितना ऑक्सीजन जितना जाना चाहिए, और सीधा पेशेंट को सांस रुकने लगता है, बेहोश होने लगता है, पेशेंट रेस्पिरेटरी वेंटिलेटर मशीन पे पहुंच जाता है और उसके मुंह में ट्यूब डाल के उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। ऐसे में कई बार और भी सिस्टम फेल होने लगते हैं, जैसे कि अगर ऑक्सीजन लिवर किडनी को नहीं पहुंचता है, लिवर किडनी फेल होने लगते हैं। साथ में अगर कोई रिस्क फैक्टर है, मान लीजिए कोई स्मोकिंग करता है, कोई अल्कोहल लेता है, किसी की ऑलरेडी किडनी, किसी की ऑलरेडी लिवर, कोई दारू पीता खराब है, तो ऑलरेडी वो फिर और ज्यादा खराब हो जाएंगी। तो याद रखिए ARDS के क्या सिम्टम है। सांस में फूलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को 24 घंटे, 48 घंटे के अंदर अंदर किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन या इंजरी के बाद में एकदम सांस बहुत फूल रहा है, धड़कन बढ़ जा रही है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, ब्रीदिंग फास्ट हो रही है, तो उसको ARDS का खतरा है, उसको जाके चेकअप कराना चाहिए। छाती में ये स्टेथोस्कोप लगाने भर से पता चल जाता है कि छाती में किस प्रकार के साउंड है, वहां सांस की नलें सुकुड़ गई हैं, सांस की नली में पानी है, या फिर फेफड़ों में जो एल्वियोलाए है, गुब्बारे हैं, उनमें पानी है। क्रैकलिंग साउंड आता है जब गुब्बारे में पानी है, फट 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 आवाज आती है अंदर, और वो
क्रेप्स बोलते हैं उसको, और हाथों में साइनोसिस हो सकता है, नीला नीला पड़ सकते हैं हाथ, बेसिकली पता चलता है कि उतना उतना ऑक्सीजन ही नहीं जा रहा, आपकी स्किन, आपके लिप्स, आपके नेल्स ऑक्सीजन की कमी से नीले पड़ सकते हैं, साइनोसिस हो सकता है। ऐसे में कई सारे टेस्ट किए जाते हैं, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस जिसमें पता चलता है खून में ऑक्सीजन कितना है, ब्लड टेस्ट किया जाता है सीबीसी, बाकी सारे किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को देखने के लिए ब्लड यूरिन टेस्ट, कभी कभी ब्रोंकोस्कोपी की जा सकती है, और ब्रोंकोस्कोपी मतलब सांस की नली के अंदर दूरबीन डाल के देखना, वहाँ पे एग्जैक्टली कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ वहाँ से सैंपल निकाला जा सकता है, और टेस्टिंग के लिए छाती का एक्सरे सीटी स्कैन किया जा सकता है, बलगम की जाँच की जा सकती है, और दूसरे किसी इन्फेक्शन के लिए जाँच की जा सकती है, इकोकार्डियोग्राफी की जा सकती है कि हार्ट फेलियर तो नहीं, हार्ट फेलियर के वजह से भी ऐसे क्रेप्स, ऐसे सांस में पानी भरना हो सकता है, वो हो सकता है हार्ट जब सही से पंप नहीं करता, सामने पंप नहीं करेगा तो बैक प्रेशर होता है, और हार्ट में ब्लड आता है ऑक्सीजन लेके लंग्स से, तो आगे ज्यादा पंप नहीं करेगा तो हार्ट में खून रुकेगा और बैक प्रेशर लंग्स में आता है और लंग्स पानी छोड़ने लगता है अपने एल्वियोलाई में। सो पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं इसको हार्ट के केस में, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम लंग के केस में। सो ARDS का ट्रीटमेंट बहुत इंटेंसिव केयर के साथ होता है, इंटेंस केयर की जरूरत है, रेस्पिरेटरी सपोर्ट की जरूरत है, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और पानी निकालना जरूरी है, पानी लंग से है उसको निकालते हैं, डायूरेटिक से, पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन से, वेंटिलेटरी सपोर्ट से, गोल है ट्रीटमेंट का कि आपकी ऑक्सीजन शरीर में पहुंचते रहे, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है वो ठीक हो, अगर कोई दूसरा इन्फेक्शन होता है उसके लिए तो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन दी जा सकती है, लेकिन यहाँ कोरोना वायरस के लिए कोई दवाई नहीं है, फिर भी प्रिकॉशनरी कुछ एंटीबायोटिक्स दिए जा सकते हैं ओवर एडेड इन्फेक्शंस को अवॉइड करने के लिए, कई बार ओवर जैसे ही हमारी शरीर कमजोर होता है दूसरे इन्फेक्शंस हावी हो सकते हैं उसके लिए। सो इन्फ्लामेशन कम करने के लिए भी दवाएं चलती हैं, स्टीरॉइड्स भी चलते हैं, स्टीरॉइड्स के इनहेलेशन दी जा सकती हैं, स्टीरॉइड सांस की नली के थ्रू जैसे नेबुलाइजेशन होता है, और लैसिक डायुरेटिक्स दिए जा सकते हैं अगर आपका ब्लड प्रेशर हार्ट सब कायदे में है तो उसके हिसाब से दिए जाते हैं, वेंटिलेटरी सपोर्ट दिया जाता है, पॉजिटिव प्रेशर डैमेज्ड लंग को हाई डोज ऑक्सीजन दिया जाता है ऑक्सीजन पास होने के लिए, उसके ऊपर भी प्रेशर सही मात्रा में मेंटेन रखना जरूरी है, कभी कभी पेशेंट को बेहोश करना पड़ता है, पेशेंट को पैरालाइज करना पड़ता है ताकि वो वेंटिलेटर के साथ लड़े ना, गले में ट्यूब डालना किसी को पसंद नहीं है लेकिन ट्यूब डाल के वेंटिलेटर पर रखते हैं तो पेशेंट उसको फाइट भी करने लगता है, उसके अगेंस्ट सांस लेने लगता है तो ऐसे में और डैमेज हो सकता है, इसलिए पेशेंट को पैरालाइज करना पड़ सकता है, तो ये इंटेंसिव केयर ICU के अंदर ही हो सकता है, ये छोटी मोटी बीमारी नहीं है, याद रखिए। सो पीपल जिनको सेडेशन की जरूरत पड़ेगी, सपोर्टिव ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, कई बार उनको एक एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन ECMO की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन ECMO में ब्लड आपका मशीन के थ्रू फिल्टर किया जाता है, बाहर निकाला जाता है और ब्लड मशीन के थ्रू ऑक्सीजनेट होके कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के वापस डाला जाता है। ECMO महंगी चीज़ है, बहुत महंगी मशीन आती है और ट्रीटमेंट भी उसका बहुत महंगा आता है, लेकिन वो भी एक ऑप्शन होता है ECMO ECMO। ये जानकारी बहुत ज़रूरी है खासकर उन लोगों के लिए जिनको ऐसी बीमारियां हो रही है। सो याद रखिए इसका प्रोग्नोसिस बहुत ख़राब है, 3 में से 1 आदमी ARDS, एक इंसान 3 में से 1 डेथ हो जाती है अगर ARDS हो जाए तो, याद रखिए बहुत डेंजरस होता है ARDS। ARDS के वजह से ब्रेन डैमेज हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, परमानेंट डैमेजेस हो सकते हैं बॉडी के अंदर कहीं पर भी कॉम्प्लिकेशंस में, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है, लंग डैमेज, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, किसी भी ऑर्गन का फेलियर हो सकता है। सो इसीलिए ऐसी कंडीशन ना आना ही सबसे ज़रूरी है, प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारा प्रिवेंशन वाला वीडियो नहीं देखा है कोरोना वायरस का तो जाके पहले वो प्रिवेंशन वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए और उस वीडियो को शेयर करिए, कोरोना वायरस से कोई भी इंसान डैमेज के हद तक ना पहुँचे, इसके लिए आपको अपना रोल अदा करना है प्रिवेंशन में। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और बने रहिए, ऐसे ही अपडेट आपको मिलते रहेंगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। आई एम डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी।